हाय स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर सी डब्ल्यू एस एन मतलब चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने इसमें भी कुछ टॉपिक पहले डिलीटेड की थी, बट इसमें एक टॉपिक, सिर्फ वन टॉपिक जो है उसको रिलेटेड में लिस्ट में शामिल किया है। तो जो हमको पढ़ना है उसके विषय में पहले समझ लें कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। दूसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर केज एंड नेचुरल नेचर, कैंगनेटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। तीसरा 4.3 में टॉपिक में पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर और चौथा पढ़ना है डिसेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड्स। और इसमें जो डिलेटेड है 4.5 को सीबीएसई ने डिलेटेड कर दी है, तो हमको 4.6 पढ़ना है स्ट्रेटजी ऑफ मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर द चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। तो हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे इस पे। इसमें कह रहा है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी डिफरेंट एबल इंडिविजुअल हैज राइट एंड पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सभी लोग चाहते हैं कि हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज का जो प्रोग्राम हो या जो कुछ भी हो उसमें हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ ऐसी व्याधियां होने के कारण, कुछ ऐसे डिसेबिलिटी होने के कारण वो कोई भी स्पोर्ट्सन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से या फिजिकल प्रोग्राम के माध्यम से उनके लिए कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया, कुछ ऐसे उनके लिए कंपटीशन बनाया गया, स्पर्धाएं बनाए गए जिसमें वो भी पार्टिसिपेट हो सके। तो उसके लिए कह रहा है कि मस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंट एबल फॉर जस्ट मॉडिफाई फ्रॉम द नॉर्मली एग्जिस्टिंग स्पोर्ट ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल विद द सर्टेन डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी एंड दस दे यूजली ऑफ रेफर एज एडॉप्ट स्पोर्ट। यानी उसके लिए भी एक प्रोग्राम बना करके किया जा सके कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट हो सके। अब जनरली डिवाइड इन टू थ्री मेन डिसेबिलिटी ग्रुप, यानी डिसेबिलिटी को जनरली सामान्यतया तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है डिफ, हियरिंग इम्पोर्टमेंट, पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी डिफ एंड डम का आप जो नाम सुने हैं, तो डिफ जिनको सुनने के लिए डिसेबिलिटी के अंदर आता है, जो सुनने में दिक्कत होती है उनको परेशानी होती है। पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको शारीरिक अपंगता होती है उसकी डिसेबिलिटी, एंड पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल जिसके मानसिक और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो होते हैं उसकी जो होती है उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आए कंसेप्ट ऑफ द डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। लोगों को ये थोड़ा सा कि डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होती है, इसमें लोग उलझे रहते हैं कि डिसेबिलिटी किसे बोलते हैं, डिसऑर्डर किसे बोलते हैं। तो देयर इज नो वन प्लैनेट वर्ल्ड हु डज नॉट वांट टू फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल, एडजस्टमेंट, एंजॉयमेंट, इमोशनल बैलेंस। आज के समय में कौन नहीं ये चाहता है कि हमारा जो फिजिकली फिट ना हो, अलर्ट, हमारे सोशल जो सामाजिक जो अलर्टनेस है वो ना हो, एडजस्टमेंट ऑफ इमोशनल बैलेंस यानी जो संवेगात्मक रूप से अपने आप को बैलेंस कर सके, ये ऐसा कौन नहीं चाहता है कि हमारे अंदर ये सारे गुण न हो। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिमेन हेल्दी एंड ऑप्टेन हार्मोनिक डेवलपमेंट। सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारे मैत्रिक गुण है वो डेवलप होते रहे, विकास करता रहे। नोबडी
want to any hindrance and obstacles in the life. और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई अवरोध या रुकावट ना हो. तो इसके लिए दिया इसमें फिर कह रहा है कि कुछ ऐसे दिक्कत हो जाने के चलते, जैसे शारीरिक अपंगता, मानसिक अपंगता हो जाने के चलते ये डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के अंतर्गत वो समाहित हो जाते हैं. वो किसी भी परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं या उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है. इसी के बारे में आज हम समझेंगे. तो मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी होती क्या है, इसके विषय में जानेंगे. डिसेबिलिटी सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, ये तमाम इसमें मीनिंग सब दिए हैं. डिसेबिलिटी मतलब होता है जो कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, मानसिक रूप से जो आपके एक्टिविटी या क्रियान्वयन में अवरोध पैदा करता है उसे डिसेबिलिटी बोलते हैं. जैसे कि डिसेबिलिटी इज इम्पोर्टेंस दैट मे बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल, यानी मानसिक और शारीरिक बौद्धिक, ये सब डिसेबिलिटी के अंदर समाहित होते हैं. इन इट इफेक्ट एवरी एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल टू कंसिडरेट अमाउंट, यानी इट इफेक्ट एवरीडे एक्टिविटी इंडिविजुअल, यानी सभी लोग सभी के लिए महत्वपूर्ण है. प्रत्येक दैनिक जो जीवन का जो जीवन शैली है, यानी दैनिक जो क्रियान्वयन है, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है. इट मे बी पर्सन इट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म बर्थ ऑफ क्योर ड्यूरिंग ऑफ वन लाइफ टाइम. और कुछ ऐसे डिसेबिलिटी हो जाने के चलते ये डिसेबिलिटी या तो अपने लाइफ स्टाइल के को प्रभावित के अंतर्गत में आ जाता है. जैसे लाइफ स्टाइल डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि सपोज दैट हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया और हमारा पैर टूट गया, तो ये डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगा. पहले तो हम पैदाइशी यानी जन्म से हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, परंतु हमारे लाइफ स्टाइल के कुछ कारण के बस वो हमारे अंदर डिसेबिलिटी आ गई, तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं. डिसेबिलिटी इन एंजर्ड इंजरी दैट रिस्ट्रिकेट द फंक्शन और मोमेंट एंड ऑफ इंडिविजुअल, कह रहा है कि वो डिसेबिलिटी इंजरी के एक्सीडेंट के कारण हमारे कोई भी शारीरिक अंग के अंतर्गत या अंग में कोई भी ऐसा हो जाने के चलते, जैसे हाथ पैर टूट जाने के चलते, या किसी का देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाने के चलते उनकी कमर सीधी नहीं हो पाती है, तो वो डिसेबिलिटी के श्रेणी में ही आते हैं. ओके, डिसेबिलिटी मेन एबिलिटी टू वर्क. डिसेबिलिटी का मतलब डिसेबिलिटी मेन इनएबिलिटी टू वर्क डू वर्क. डिसेबिलिटी का मतलब यही होता है, मेन होता है कि वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है, ये डिसेबिलिटी होती है. ठीक है, यानी किसी भी कार्य को करने में हमारी शारीरिक जो असमर्थता होती है उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं. अब डिसेबिलिटी समझ में आ गया. डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब होता है रोग व्याधि से, यानी शरीर के अंदर डिसऑर्डर जो होते हैं. सपोज दैट अभी हम कुछ खाना भोजन किए और उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो वो डिसऑर्डर में हो सकता है. जैसे कि स्टोमक डिसऑर्डर कह सकते हैं इसे. ओके, तो इसके बारे में, डिसऑर्डर के बारे में हम समझेंगे कि डिसऑर्डर इज यूजली यूज टू फॉर मेंटल डिसेबिलिटी, यानी मेंटल मानसिक डिसेबिलिटी, मानसिक असमर्थता. और डिसऑर्डर मतलब होता है विकलांग, यानी शारीरिक असमर्थता. अब यहां पे आप क्लियर कर लेंगे, डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक असमर्थता और डिसऑर्डर मतलब मानसिक असमर्थता. ओके, डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट्स ऑफ डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, यानी डिसऑर्डर क्या होता है, जो हमारे शारीरिक व्यक्ति के
व्यक्तिगत शारीरिक हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। मस्ट प्रॉपरली डिसऑर्डर क्रिएट हिंड्रेंस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्म दस रिड्यूस ऑफ इफिशियंसी। यानी डिसऑर्डर व्यक्ति के कोई भी परफॉर्म में हिंड्रेंस करता है, अवरोध करता है, उसकी कमी के कारण कोई भी एक्टिविटी करने में अवरोध होता है, उसे डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर सेम टू ऑर्डिनरी, जो डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति होता है या कोई भी रहता है, वैसे देखने में तो बिल्कुल साधारण लगेगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा कि ये डिसेबिलिटी, इसके अंदर डिसऑर्डर कुछ है, देखने में तो सामान्य आएगा। बट यूजली ग्रो आर सेपरेट इन हार्मफुल मैनर इन ए इंडिविजुअल, लेकिन कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगता है या उसके रहन सहन में कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि ये आदमी मानसिक कुग्रता बोलते हैं, जिसे उग्रता, मानसिक उग्रता के चलते ये डिसऑर्डर से के चलते ये पीड़ित हो चुका है। जैसे अगर सपोज दैट यदि पागल कोई आदमी है, अगर उसे शांत बैठा है, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं कि ये पागल है? जब तक कि वो अपने एक्टिविटी के अनुसार कुछ ऐसा काम न करे, अपने मैनर के अनुसार कुछ ऐसा काम न करे, तब तक हम उसे गेस नहीं कर पाते हैं कि वो आदमी किस कारण से बैठा है, क्या है। जब वो अपने एक्टिविटी के अनुसार कुछ करता है, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये आदमी ये मानसिक रूप से खराब है या पागल है। ओके, तो ए सिंपल डिसऑर्डर चेंज इनटू द डिसेबिलिटी। ए सिंपल डिसऑर्डर यानी कुछ ऐसे सिंपल साधारण डिसऑर्डर होते हैं जो कि डिसएबिलिटी में चेंज होता है, चेंज हो जाता है, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। सपोज दैट यदि हमें पैरालिसिस है, तो ये पैरालिसिस तो हमारा एक डिसऑर्डर है, लेकिन धीरे धीरे वो जब ग्रो करता है तो डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी में भी बदल जाती है। सपोज दैट जब हमें पैरालाइज होते हैं, जब कोई पेशेंट पैरालाइज होता है, तो वो तो सामान्य रहता है, धीरे 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 उसकी क्या होती है, शारीरिक असमर्थता, न टहल सकता है, न चल सकता है, न कुछ बोल सकता है, वो डिसेबिलिटी में परिवर्तित हो जाती है। ओके, तो ये है हमारा डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी के बारे में, आप इसे पढ़िए। जहां चीज इसी से क्वेश्चन भी है, आप इसको याद रखिएगा। सॉरी, इसके अंदर अगर पूछे व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी, व्हाट आर ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी, तो तमाम प्रकार के ऐसे इसमें क्वेश्चन भी हैं, जिसको आप स्वयं फाइंड आउट करिए, उसका आंसर भी उसको लिखिए, और अपने ग्रुप में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजने की कोशिश करें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।